हाजिर यहां पर आपको अहम खबर से आगाह करें। हॉल रोड पर गंदे नाले में गैस भरने से धमाका हुआ, नाले की छत टूट गई, करीबी इमारतों की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। हॉल रोड पर गंदे नाले में गैस भरने से ये धमाका हुआ है, नाले की छत टूट गई है और धमाके की वजह से इर्द गिर्द की इमारतों की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज मुदस्सिर नवाब से। मुदस्सिर, बताया कि जानी नुकसान तो नहीं हुआ? धमाके की आवाज सुनी गई है, जबकि इस हवाले से जो रेस्क्यू काम है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो ये गंदे नाले में गैस भरने की वजह से ऊपर स्लैब जो थी वो टूट गई हैं, और जिसके बाद धमाके की आवाज जो इतनी जोरदार थी कि जो रोड पर मौजूद इमारतें थी उनके शीशे भी टूट गए हैं। जबकि इस हवाले से जो रेस्क्यू काम की गाड़ियां हैं मौका पर पहुंच चुकी हैं और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि दूसरी जानब किसी किस्म के कोई जानी नुकसान की अभी तक कोई भी इतला नहीं है। जबकि इस हवाले से धमाके की शिद्दत और उसकी धमक की वजह से जो करीबी इमारतें थी उनके शीशे वगैरह टूट गए हैं और जो दुकानें थी उनके सामान भी बिखर चुका है, जिस पर जो है रेस्क्यू काम की टीमें मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां कर रही हैं। और इस हवाले से मजीद जो है इस नौयत का पता लगाया जा रहा है कि आया ये धमाका किस वजह से हुआ है और इसकी शिद्दत क्या थी और इसके पीछे जो रास्ते थे वो क्या थी और कौन सी वजह से यह धमाका हुआ है, इस हवाले से अभी तहकीकात की जा रही है। जी अच्छा, ये बताइएगा मुदस्सिर के इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक क्या कहा जा रहा है कि नाले में गैस भरने की वजह से जो है ये धमाका हुआ है और उसकी आवाज इस कदर शदीद थी कि इर्द गिर्द की इमारतों के शीशे भी टूटे हैं। जी हाँ बिल्कुल, तारीख इस हवाले से जो रेस्क्यू हुकाम का तो अभी तक तो फिलहाल इब्तदाई यही बयानिया है कि उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि नाले के अंदर जो है गैस भर गई थी और नाले के ऊपर जो स्लैब्स जो थी वो काफी ज्यादा टूटी हुई है, जिसके बाद जो है ये धमाके की शिद्दत और आवाज इतनी तेज जो थी जो जिसकी वजह से जो करीबी इमारतों के जो शीशे वगैरह टूट गए हैं और दुकानों का सामान बिखर गए हैं, जिस पर जो अब रेस्क्यू हुकाम ये भी कह रहे हैं कि अभी तक किसी हवाले इस हवाले से किसी किस्म की कोई जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है, जबकि मजीद अभी तहकीक की जा रही है कि यह धमाका गैस लीकेज गैस भरने की वजह से नाले में हुआ है या किसी और वजह से हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर नवाब इस हवाले से आगाह करने के लिए।